হনুমান মন্দিরে আমরা উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, উঁচু নিচু। জয় সিয়ারাম, জয় সীতারাম, জয় বজরঙ্গলী, নাম ধরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। তপোবনের বজরঙ্গলী মন্দির, অনেকটা উঁচু, ভালো বেশ জায়গাটা। চলো আস্তে আস্তে নেব ওই সেই বজরঙ্গলির মধ্যে। যায় বজরঙ্গলি, ওই সামনে বজরঙ্গলির মধ্যে। এখানে বজরঙ্গলি তাণ্ডব করেছিল। এটা তপোবন ঝাড়খণ্ডের বাবাধামের ঠিক সামনে পড়ে। এখানে বজরঙ্গলি তাণ্ডব করেছিলেন। ঢাল পাহাড়পুর, ঠিক আছে বলো। হ্যাঁ স্টোরি বলে দাও। জয় শ্রীরাম। উপর সে নিচে আপ জিতনা মন্দির দেখে না, সারা মন্দির বানায় গিয়া হ্যাঁ। ये हनुमान जी का जो मंदिर देखिएगा, ये नेचुरल भी है, मनोकामना मंदिर से पश्चिम जागृत मंदिर भी है। लाखों का मनोकामना पूरा हुआ इस मंदिर में। तपोवन में भारतवर्ष में बोल के चार हुए हैं। पहला तपोवन हो गया आपका पंचवटी, यहाँ से सीता मैया का हरण किया था रावण ने, जो नासिक में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। और दूसरा तपोवन हो गया आपका ऋषिकेश, जो लक्ष्मण झूला जो पड़ता है हरिद्वार में। तीसरा हो गया बुद्ध गया, जो दशरथ जी का पिंड दान किया था सीता मैया अपना ससुर जी का, जो फल्गु नदी से पहुंचे गया जिला में बिहार में, जो पिंड दान करने के लिए जाता है। चौथा नंबर यह है रावणेश्वर वैनाधाम तपोवन, जो रावण यहाँ पर आया था दूसरा बार तपस्या करने के लिए। पहला बार किया तो कैलाश में, जो भोलेनाथ ने प्रसन्न को एक शिवलिंग दिया था ज्योतिर्लिंग, जो बाबा बैजनाथ मंदिर स्थापित हो गया छलकपट, उसी शिवलिंग को हासिल करने के लिए रावण यहाँ पर दूसरा बार आया। जब पहला बार किया तो तीनों लोग में हलचल मच गई। ये क्या क्या प्रभु ने राजा जाति को शिवलिंग दे दिया, शिवलिंग को लंका लीजिएगा, देवताओं को मानव जाति को नष्ट कर देगा। वही सब देवता मिलकर विष्णु भगवान जी के पास गया, प्रभु आप इसका कुछ हल निकलिए, एक देवता को भेजा वरुण देवता को, वो जल का मालिक था, उसको भी मौका नहीं मिल रहा था कि रावण का पेट में हम कैसे समाएं। भोलेनाथ शिवलिंग देने से पहले रावण को बोला, जाओ तुम पहले पार्वती माँ के सामने थोड़ा शरीर को शुद्ध कर लो। जैसे शरीर को जल से शरीर को शुद्ध करने गया, थोड़ा जल का आचमन कर लिया, उसी जगह मायावी जल बनकर उसका पेट में समा गया, नाभि में। जब नाभि में समा गया तो भोलेनाथ शिवलिंग देने से पहले रावण को एक शर्त भी बता दिया कि तुम जमीन पर कहीं रखना नहीं, जहाँ रखोगे वहीं पर स्थापित हो जाएगा, तुम कितनों भी कोशिश करोगे वहाँ से दोबारा उठेगा नहीं। तो रावण ने सुन के लंका की बनने लगा, जिस नगरी से बनने लगा पहले जंगल और बंद था, एक भी मानव नहीं था। जब रावण को धीरे धीरे पेशाब आने लगा लोगों सबका, तो उसको नीचे उतरना पड़ा। जब अपना पुष्पान को नीचे उतारा, उसको एक भी मानव नहीं मिल रहा था कि हम किसको देखे पेशाब करने। एक ग्वाला था बेजू के नाम, वो विष्णु भगवान जी का अवतार था। जब नजर गणेश के नाम गणेश, तो वही दोनों गणेश बेजू महाराज और गणेश जी, दोनों ग्वाला का रूप लिया था, एक विष्णु भगवान था और एक गणेश जी। हाँ दोनों मिलके इतरा, तो राम बोला ग्वाले इधर आओ, इस शिवलिंग को पकड़ो, हम थोड़ा लघु संगा के पेशाब करके आएंगे। तो उसको बोला कि तुरंत आ जाएंगे। उसको रावण को पेशाब करते करते बहुत देर हो गया। उसका नाम का एक नदी बह गया हरला जोरी, जो बाबा बैजनाथ मंदिर से 10 किलोमीटर दूरी पर प्रसिद्ध है, लिखिया आश्रम नदी है। हाँ हरला जोरी इसलिए होता है, हरि का मतलब हो गया विष्णु भगवान, हर का मतलब हो गया भोलेनाथ, दोनों का मिलन हुआ है। जब रावण आगे बढ़ा, उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा था कि हम शरीर को शुद्ध कर सके। रावण ब्राह्मण था, एक मुख का पताल से पानी निकल के शरीर को शुद्ध किया। जो मंदिर से 10 कदम दूरी पर एक कुंड देखेंगे, शिव गंगा जो नाम है मंदिर का, बाबा बैजनाथ मंदिर, उसके बगल में जो कुंड है। जब रावण आगे बढ़ा, वही शिवलिंग को जमीन पर पड़ा देखा,
कि मेरे साथ जिसने भी छल कपट किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो लंका लेके जाऊंगा अपना शक्ति से। तो रावण थोड़ा घमंडी था, अपना ताकत पर घमंड करता था, बहुत जोर लगाया और शिवलिंग वहाँ से उठा नहीं पाया। उसी जगह भोलेनाथ प्रगट होकर उसको फिर से याद दिलाया कि तुमको पहले ही हम चेतावनी दी थी कि शिवलिंग जहाँ जमीन से अस्पष्ट होगा वहीं रह जाएगा, तुम कितनों भी कोशिश करोगे वहाँ से उठेगा ही नहीं। तो रावण गुस्से से बोला, प्रभु आप मेरे साथ लंका नहीं जाने चाहते हैं, कोई बात नहीं, इस सुनसान जंगल में आपका पूजा कौन करेगा, यहाँ तो एक भी देवता नहीं मानव दिख रहा है, एक काम कीजिए आप पाताल लोग चल जाइए, वहाँ पर मेरा एक पाताल भाई है तुम्हारा पूजा करके। तो गुस्से से उंगली से दबा दिया, अगर आप लोग बाबा बैजनाथ मंदिर अंदर गए हैं तो ओरिजिनल शिवलिंग का दर्शन नहीं किए होंगे, कोहर लगा हुआ है, ओरिजिनल जो शिवलिंग है जमीन में दबा हुआ है, ऊपर से कोहर लगा दे कि यात्री लोग पूजा करेगा ना अच्छा सु सकेगा, वो पाताल में चला गया। जब रावण निराश होकर लंका लूटने लगा इस मार्ग से, जब रावण निराश होकर लंका लूटने लगा इस मार्ग से, तो मन में फिर से ख्याल आया कि हम शिव जी को फिर से मना के क्यों नहीं शिवलिंग को हासिल कर ले। तो रावण इस तपोभूमि में आ गया दूसरा बार तपस्या करने के लिए। जब रावण यहाँ ध्यान लगाने लगा तो तीनों लोग को बंदी बना लिया था, सिर्फ बंदर सेना को नहीं बना कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसी टाइम में देवता में फिर से हलचल मच गया, बोला इस बार अगर शिव जी को ले जाएगा जो विष्णु भगवान राम का अवतार लेगा रावण को मार नहीं सकेगा, अमर हो जाएगा। वही सब देवता मिलकर शिव जी के पास गया, शिव जी का ही अगर मां रूप है हनुमान जी का, हनुमान जी का रूप लेके इस चट्टान को तोड़ फोड़ विखंड करने लगा, गर्जना करने लगा, उसी गर्जना शक्ति से रावण का तपस्या फिर से भंग हो गया, पाथर सब सब छोड़ कर उसका तपस्या भंग हो गया। जब वनवास के टाइम में राम लक्ष्मण सीता मैया जब तीनों चारों तरफ उनको भ्रमण कर रहे थे, इस तपोभूमि का हनुमान जी से परीक्षा लिया सीता मैया, बोला तूने रावण का तपस्या भंग किया तो क्या प्रमाण है, जैसे अयोध्या में कलेजा चीर के दिखाया ना कि राम भक्त हनुमान है, सेम यहाँ पर भक्ति प्रमाण दिया है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, देवी आप तो सबको जानते हैं हमको बोलने की इच्छा क्या, तो स्वयं शक्तिशाली है। तो सीता मैया बोली, हम तो जानते हैं जो कलयुग में मानव रहेगा तुम्हारा दीप अवतार देखने के लिए उसको कैसे विश्वास होगा, वो तो शक्तिशाली नहीं तो शक्तिहीन रहेगा। वही हनुमान जी बोला, मेरा हर चट्टान में मेरा मूर्ति है, तो प्रमाण तौर पर एक चट्टान में कनिष्ठ उंगली से अगर बार दाग दिया जय श्री राम बोल के, दोनों शिला देवी शक्ति से फट गया, दोनों शिला में हनुमान जी का मूर्ति है नेचुरल, जो अभी दर्शन कीजिएगा। उसी जगह सीता मैया वरदान देखिए, जाओ वश तुम चारों युग में मरेगा, जो भी तुम्हारे पास सच्चे मन से साल के कष्ट करके आएगा उसका मनोकामना पूर्ण हो गया, मानस मंद से प्रसिद्ध हो गया। आपको ज्यादा उदाहरण देते उदाहरण देते, एक रानी थी चारों शिला दासी घोष, कलकत्ता की रहने वाली थी, सीनियर वकील थी, एडवोकेट थी, उसको छह पुत्री था, पुत्र नहीं था। रानी भारतवर्ष में हर जगह मनोकामना किया कि मुझे एक लड़का हो जाए, तो निसफल रहा। इसी रास्ते में रानी 40 साल का अवस्था में कष्ट करके कहा हनुमान जी के पास, बोला कि पिता जब मुझे एक लड़का हो जाएगा जो आपका पहाड़ी मार के उसको काट काट के सीढ़ी और मंदिर बनवा देंगे, कई वर्षों के बाद एक लड़का हो सकता जो यहाँ से नौलखा मंदिर आप लोग देखेंगे जो लेडीज गोद में लेके बैठी हुई लड़का। जब रानी का मनोकामना पूर्ण हो गया, जो एक तरफ सीढ़ी अभी चल के आए माता जी, रानी पहले पत्थर को काट काट के सीढ़ी बनवाई थी, पहले सीढ़ी नहीं था, पहले पत्थर को काट काट के सीढ़ी बनवाई, 2002 में सीमेंट का बनवा दी। इधर भी पहाड़ी मार्ग में सीढ़ी बनवाने चाह रही थी रानी, तो हनुमान जी ने स्वप्न दिया, बोला ये देवी अपने अनुसार कर्तव्य कर दिए, दूसरी तरफ सीढ़ी नहीं बनवाइएगा, जो नेचुरल है प्रकृति का उसी तरह रहना, जिसको नष्ट कीजिएगा तो आपका बेटा नष्ट हो जाएगा। वही रानी 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा करके यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पर नौलखा मंदिर निर्माण किया, नौलखा इसलिए बोला था 9 लाख चांदी का सिक्का जो खर्चा किया, वो जुगल नाम से भी नाम था, उसका बेटा का नाम जुगल था। रानी यहाँ पर साल में 3 बार जग कराती थी, चैत्र नवमी दुर्गा पूजा मकर संक्रांति में, जब तक जीवित थी रानी कराती, जब उसका देहांत हो गया तो यहाँ पर एक कमेटी बना है, ऊपर से नीचे हम लोग हर मंदिर में निबल दे कि यहाँ दुआ दो, इसमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे लोग 200 कान देता है उसका नाम से साल भर फ्लैग जला रहता है, विषय अमाउंट देता है, प्रणाम को दूर के पोस्ट विद्रा घर तक पहुँचा देता है। हनुमान जी के पास जाइएगा, जो भी मनोकामना कीजिएगा 105 दिन रखिएगा मन में, यानी 3.5 महीना, जो शादीशुदा आपस में पति पत्नी जान सकते हैं, जो नहीं है माँ पिता को बता सकते हैं। हनुमान जी के पास मनोकामना कीजिएगा, किसी का अनिष्ट के लिए नहीं, अपना सुख शांति के लिए, शरीर स्वस्थ के लिए, नौकरी चकली वंश के लिए क्या है। हनुमान जी के पास लोग धागा बांधता है, आप भी बांध सकते हो प्रसादी में, ठीक ना, धागा लेकर के हनुमान जी के पास बांध लीजिएगा, कुछ लीजिएगा नहीं, कारण लास्ट में इतना पतला करिए देखेगा 6 बज का बच्चा निकल, इतना मोटा आदमी निकलता है, जय श्री राम बोल के, जय श्री राम, जय श्री राम, चलो माँ।